नमस्कार दोस्तों, इन हिंदी YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, कुछ दिनों से मैं वीडियो डाल नहीं पाया तो इसलिए सॉरी है। तो दोस्तों, आज मैं जो वीडियो के बारे में बात करने वाला हूँ, जो टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूँ, वो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। दोस्तों, कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो डाला था कि आपके मोबाइल की डेटा ऑन रहेगा, आपके SMS आएगा, लेकिन इनकमिंग कॉल कैसे आप ब्लॉक कर सकते हैं। आप जब YouTube वीडियो बना रहे हो या फिर कुछ इम्पोर्टेंट काम कर रहे हो, तब अगर कोई कॉल आ जाए तो बहुत प्रॉब्लम होता है। तो इसलिए मैंने बताया था कि आपके मोबाइल की डेटा ऑन रहेगा, लेकिन आपके इनकमिंग कॉल ब्लॉक रहेगा। कोई अगर आपके फ़ोन में कॉल करेगा तो आपके फ़ोन में कॉल नहीं आएगा, लेकिन आपके सिम ऑन रहेगा, आप डेटा यूज़ कर सकते हो। वो मैंने किया था एक कोड की मदद से। एक कोड था, वो डायल करने से ये होता था, लेकिन फिलहाल कुछ दिनों से वो कोड काम नहीं कर रहा है और वो कोड कंट्री वाइज अलग अलग होते हैं। तो इसलिए बहुत प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है और मुझे बहुत कमेंट मिला है कि ये कोड काम नहीं कर रहा, तो हो सकता है वो एक्सपायर हो गया हो। लेकिन आज मैं आपको ऐसी एक सेटिंग्स बताने वाला हूँ, कोई कोड की ज़रूरत नहीं, कोई ऐप की ज़रूरत नहीं, मैंने आपके मोबाइल पे ही वो सेटिंग्स है, मैं वो सेटिंग्स बताने वाला हूँ। वो सेटिंग्स की मदद से आप ये बहुत आसानी से कर सकते हैं कि आपके सिम कार्ड ऑन रहेगा, आप डेटा यूज़ कर सकते हो, लेकिन इनकमिंग कॉल, कोई अगर आपको कॉल करेगा तो वो स्विच ऑफ कहेगा। ठीक है, तो वो कैसे करना है? सबसे पहले आपको सेटिंग्स में जाना है, ये आपके मोबाइल के सेटिंग्स से करना है। ठीक है, और ये हर एक कंट्री में एक ही है, क्योंकि सेटिंग्स सब मोबाइल में, कोई भी कंट्री हो सब मोबाइल में सेटिंग्स एक ही होते हैं और ये कभी एक्सपायर नहीं होगा और ये 100% प्रूफ है, आप करके देख लेना। ठीक है, तो सबसे पहले आपको सेटिंग्स में जाना पड़ेगा। सेटिंग्स में जाके आपको ढूंढना है कॉल सेटिंग्स। तो किसी कोई कोई फ़ोन में, कुछ कुछ फ़ोन में कॉल सेटिंग्स यहाँ पर रहते ऊपर जो सेटिंग्स है, ये सेटिंग्स में जाके ये जो मोबाइल की सेटिंग्स है यहाँ पर से आपको ढूंढ लेना है, यहाँ पर से आपको ढूंढ लेना है। या फिर सबसे आसान तरीका कॉल सेटिंग्स ढूंढने का, आप डायल पैड में जाइए, ये जो डायल पैड है, डायल पैड में जाने के बाद आपको नीचे यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ पर ये जो 3 लाइन्स देख रहे हैं, यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये जो सेटिंग्स है, ये सेटिंग्स में आपको क्लिक कर देना है, तो आप डायरेक्टली कॉल सेटिंग्स में पहुँच जाएंगे। इसके बाद आपको ढूंढना है कॉल फॉरवर्डिंग सेटिंग्स, ये है, तो आपको कॉल फॉरवर्डिंग सेटिंग्स ढूंढना है। ठीक है, तो कॉल फॉरवर्डिंग सेटिंग्स में क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप कौन सी मोबाइल की इनकमिंग कॉल ब्लॉक करना चाहते हैं वो आपको सिलेक्ट करना है। मेरे पास 2 सिम है, तो मैं आइडिया नीचे वाला इसका कॉल सेटिंग्स इनकमिंग कॉल ब्लॉक करने वाला हूँ, तो इसको सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद ये कुछ सेटिंग्स लेगा। दोस्तों, मेरे बगल में कुछ आवाज़ आ रहा है, तो मेरा घर हाई रोड के बगल में है तो आवाज़ आ रहा है, तो इसलिए सॉरी। तो ये जो आ गया, आने के बाद ये कह रहा है कि यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन मिल जाएगा। ऑलवेज फॉरवर्डेड, मतलब कि जब भी कोई इस नंबर पे कॉल करेगा तो वो कॉल फॉरवर्ड हो जाएगा। व्हेन बिजी, जब आपके इस नंबर बिजी होगा तब दूसरा कोई मोबाइल पे कॉल चला जाएगा जो नंबर आप सेट करेंगे। व्हेन अनआंसर्ड, जब आप आंसर नहीं दे पाएंगे तब भी कोई दूसरा फ़ोन में कॉल चला जाएगा। और ये व्हेन अनरीचेबल, जब अनरीचेबल रहेगा तब कौन सी फ़ोन में जाएगा, ये आपको सेटिंग्स करना है। ठीक है, ये चारों को चार सेटिंग्स करना है। लेकिन आज मैं बात करने वाला हूँ ऑलवेज फॉरवर्ड, क्योंकि मैं इंटरनेट ऑन रखना चाहता हूँ, लेकिन जो भी कॉल आएगा उसको मैं स्विच ऑफ ऐसे बताएगा, ये सेटिंग्स में करना चाहता हूँ, तो इसलिए आपको जाना पड़ेगा ऑलवेज फॉरवर्ड। तो ऑलवेज फॉरवर्ड में जब भी आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर कुछ भी शो नहीं करेगा, यहाँ पर ब्लैंक रहेगा। तो यहाँ पर आपको ऐसे एक नंबर डाल देना है जो कि स्विच ऑफ हो। मुझे पता है कि आपके घर में ऐसे कोई नंबर्स तो होगा जो आप इस्तेमाल नहीं करते हो, जो स्विच ऑफ रहता है, या फिर कोई दूसरे का नंबर, बहुत पुराना नंबर, कोई भी चलेगा जो स्विच ऑफ है, वो नंबर आपको यहाँ पर डालना है। तो चलिए मैं डाल देता हूँ, मेरा एक स्विच ऑफ नंबर है 9122661996। अगर आपके पास ऐसी कोई नंबर नहीं है, आप रैंडमली कोई भी नंबर आप डाल सकते हो, 1234567 कुछ भी डाल सकते हो,
जिसमें फ़ोन नहीं जाता है, ऐसे एक नंबर आपको डालना है। इसके बाद आपको क्लिक करना है टर्न ऑन पे, तो जब भी आप टर्न ऑन पे क्लिक करेंगे, ये अपडेट सेटिंग्स दिखा रहा है, तो थोड़ा वेट कीजिए। आप देख सकते हो फॉरवर्डेड, तो जब भी मेरा उस आइडिया नंबर पे कॉल आएगा, कोई भी कॉल करेगा, मेरे मोबाइल पे वो कॉल नहीं आएगा, वो कॉल साथ ही साथ फॉरवर्ड हो जाएगा इस नंबर पे, और क्योंकि इस नंबर स्विच ऑफ है तो वो इस नंबर को स्विच ऑफ बता देगा। ये बहुत आसान तरीका है। और ये क्या हो गया, ये तो मैंने नहीं किया था, चलिए इसको मैं इरेज कर देता हूँ, अभी नहीं होगा, तो ठीक है। तो ऐसे करके आप बहुत आसानी से आपका इनकमिंग कॉल आप ब्लॉक कर सकते हैं। इनकमिंग कॉल आप जो बंदा आपको कॉल करेगा उसको बताएगा कि ये नंबर स्विच ऑफ है। ये बहुत आसानी से एक सिंपल सेटिंग से आप कर सकते हैं। अगर आप कोई कोड का यूज़ करके करेंगे तो कुछ दिन बाद हो सकते हैं वो कोड एक्सपायर हो जाता है, या फिर कंट्री वाइज कोड अलग अलग होते हैं तो वो नहीं हो पाते हैं। तो आप उस मेथड को छोड़िए, आप ऐसे सेटिंग्स में जाके आप ऐसे कर लीजिए। ज़िंदगी भर अगर जितने टाइम आप ये सेटिंग्स को चेंज नहीं करेंगे, ज़िंदगी भर आपको ये नंबर स्विच ऑफ बताएगा। कोई अगर कॉल करेगा तो स्विच ऑफ बताएगा। लेकिन आप डेटा यूज़ कर सकते हैं, आप SMS यूज़ कर सकते हैं, आप लोगों को कॉल कर सकते हैं, लेकिन लोग आपको कॉल नहीं कर सकते। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया है। तो अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि मैं ऐसे यूज़फुल वीडियो जब भी लेके आऊँ आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप कोई भी वीडियो मिस ना कर सके। और एक चीज़ मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि आप इसको डिजेबल कैसे करेंगे, आप बंद कैसे करेंगे। बंद करने के लिए आपको यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये जो टर्न ऑफ है इसमें अगर आप क्लिक कर देंगे तो ये बंद हो जाएगा, और अपडेट में क्लिक करके आप ये नंबर चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए चलते हैं, मुलाकात होगा दूसरे एक वीडियो में, तब तक के लिए बाय।